हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वट पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। साल 2024 में वट पूर्णिमा 21 और 22 जून को होगी, जिसमें स्वागन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत की कथा और व्रत किया जाएगा। कहा जाता है कि जिन महिलाओं का वट सावित्री व्रत छूट गया हो, उनके द्वारा इस दिन व्रत करने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसकी जानकारी हमने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से की, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। 6 जून को वट सावित्री अमावस्या का पर्व विधि विधान से मनाया गया और सभी ने धर्म लाभ उठाया। तो हमारा अभिप्राय यह है, जिन महिलाओं का यह व्रत किसी भी कारण से छूट गया है, वे अभी 21 और 22 जून को जो पूर्णिमा पड़ रही है, इसमें इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा में इस व्रत वट सावित्री के व्रत को करने का बहुत ही बड़ा महत्व है, जो शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। क्योंकि जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें कई गुना फल इसका प्राप्त होता है। एक सूती धागे के द्वारा वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और परिक्रमा के पश्चात उसकी कहानी भी कहें और तत्पश्चात आरती भी करें श्रद्धा भक्ति से। जहाँ पर हमने कथा करनी है वहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखें और तत्पश्चात श्रद्धा भक्ति से। इस प्रकार करने से हमारा जो व्रत पूर्ण हो जाता है। 21 और 22 जून को पूर्णिमा का की तिथि है, अर्थात जो 21 जून है उस दिन तो व्रत की पूर्णिमा है। तो अगला दिन है जो संपूर्ण जो होती है पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र होता है उस दिन स्नान की पूर्णिमा होती है। उस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। किसी भी हम नदी में, किसी भी गंगा नदी में, कोई भी सरोवर में हम स्नान कर सकते हैं और उससे हमें बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है।